हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आपके पास कोई भी शॉपिंग बैग होगी, शॉपिंग बैग को आपने कट करनी है। लंबाई 13 इंच, 2.5 इंच आपको साइड एंड लेफ्ट पे कट करनी है, जैसे वीडियो में देख सकते हो आप। 2.5 इंच इसलिए लेनी है क्योंकि 1 इंच जाएगा मार्जिन में, एंड जो भी फैब्रिक होगी जिससे बैग बनानी है आपको, उसको रखनी है बैग के ऊपर जैसे कि मैंने रखा है। एंड इनको मैं स्टिच करूँगी, चारों ओर स्टिच करूँगी मैं, ताकि जो मेरा फैब्रिक है ये लेना। एंड मैंने अंदर से एंड बाहर से मैंने स्टिच कर लिया है, जैसे कि देख सकते हो। रह गया मेरा सेंटर का, तो सेंटर का मैंने लॉन्ग पट्टी कट किया है, एंड यहाँ पर रख कर हमें लंबी सिलाई करनी है। एंड आप देख सकते हो मैंने सिलाई कर ली, एंड इसको पलटनी है, पलट कर हल्का सा मोड़ना है अंदर की ओर, एंड इस पर भी हमें सिलाई चलानी है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो मैंने अंदर एंड बाहर से दोनों ओर से सिलाई चला ली है। तो अब मैंने लॉन्ग पट्टी कट किया है, लॉन्ग पट्टी को मैं आगे की ओर पुश करते हुए सिलाई करूँगी। इससे ये होगा कि मेरा फ्रिल बन जाएगा, एंड इस फ्रिल को मैं जॉइंट करूँगी बैग के साथ। तो ये मैंने सिलाई कर ली है, देख सकते हो, ऐसे ही सिलाई करनी है। इसके बाद आपके पास कोई फेवरेट फैब्रिक होगा उसको लेना है एंड रखना है एंड स्टिच करना है। तो मैंने सबसे पहले फैब्रिक के ऊपर रखा है फ्रिल के ऊपर, एंड रखने के बाद मैंने स्टिच किया है। सीधी सिलाई लगानी है इस पर भी। तो देख सकते हो मैंने सीधा किया, एंड इसको हल्का सा मार्जिन अंदर करके मैंने सीधी सिलाई लगाया है। और जिस कलर का फैब्रिक है उसी कलर के धागे से हमें सीधी सिलाई लगानी है, ताकि धागा दिखे ना। एंड अब इसके बाद मुझे एक लॉन्ग पट्टी चाहिए, ब्लैक कलर का ही, एंड इनको भी हम कवर करेंगे। पहले हमने सीधी सिलाई लगाई, अब इसको मोड़ेंगे हम, मोड़ कर हमें सिलाई लगानी है। ब्लैक कलर का ही धागा होना चाहिए। जो बैग का जो ओपन पार्ट होता है उसमें हमें जॉइन करना है लुप्पी। तो मैं बना रही हूँ लुप्पी। तो जो शॉपिंग बैग का जो फैब्रिक होता है उसको ही लिया है मैंने, तो इसको मैं ब्लैक फैब्रिक से कवर करूँगी, एंड बिल्कुल पतला सा पट्टी लूँगी पाइपिंग जैसा, एंड इसको भी मैं रख कर लंबी लंबी सिलाई लगाऊँगी, एंड फिर पलटूँगी, पलट कर फिर से सिलाई लगाऊंगी। तो देख सकते हो मेरा जो लुप्पी है वो बन गया है, एंड इसको मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी अंदर की ओर करके, एंड फिर बाहर की ओर मोड़ूंगी, फिर सिलाई लगाऊंगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो मेरा लुप्पी तो लग गया है, एंड इसका जो लेफ़्ट एंड राइट जो पार्ट है उसको भी मैं कवर करूँगी लंबी पट्टी से, सीधी सिलाई लगाकर, और फिर अंदर की ओर टर्न करके, फिर हल्का सा मार्जिन अंदर करके, फिर हमें लंबी सिलाई लगानी है जैसे कि हमने पहले भी लगाया था। तो देख सकते हो मैंने दोनों ओर सिलाई से कवर किया है, एंड ये जो मुँह है इसको भी हम सिलाई लगाएंगे इसमें ऐसे मिलाते हुए, ताकि बैग जैसा लुक बन सके। एंड इसको भी हम पतली सी पट्टी लेकर कवर करेंगे। तो इसके बाद हमने बैग को सीधा किया है, एंड सीधा करने के बाद लुक आ रहा है ना बिल्कुल बैग जैसा। अब बैग को होल्ड करने के लिए हमें लॉन्ग पट्टी कट करनी है, और इसको भी हम मोड़ कर सिलाई लगाएंगे। एंड इसकी लेंथ मैंने 21 लिया है, तो
देखो मैंने सिलाई तो लगा लिया है एंड इसको मैं अंदर की ओर रख कर फिर सिलाई लगाऊंगी, जैसे कि ऐसे सिलाई लगा कर मैंने लगा लिया है सिलाई एंड फिर अभी इसको बाहर की ओर करूंगी और फिर इस पे चौड़ी से सिलाई लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपके पास चिटपुटिया बटन तो सुना होगा, वो तो होगा ही आपके पास, तो उसको हम लगाएंगे लुप्पी में। एंड कोई भी आपके पास बटन या फिर रिबन टाइप का होगा उसको आप लगा सकते हो, ब्यूटीफुल लगेगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।